अरविंद केजरीवाल ने वीडियो शेयर कर समझाया कैसे खुद भगवान करेंगे भाजपा का अंत। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो में शुरुआत गीता के श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजात्यहम्। सीएम ने श्लोक का मतलब समझाते हुए बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही नहीं कह रहे, भगवान अर्जुन के जरिए ये पूरी सृष्टि को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर धर्म को कुचला जाएगा और जब जब धरती पर अधर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा तब तब मैं उत्पन्न होऊंगा। सीएम केजरीवाल ने कहा, वर्तमान समय में चारों तरफ इतना अधर्म का बोलबाला हो गया है, अब लोगों को लगने लगा है, लोग आपस में चर्चा करने लगे हैं कि अब ईमानदारी से कोई फायदा नहीं है। केजरीवाल ने कहा, खुलेआम विधायकों को खरीदा जा रहा है, हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, विधायकों को खरीद खरीद कर खुलेआम राज्य की सरकारें गिराई जा रही हैं, किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा, बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, महंगाई इतनी है कि महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल ने कहा, चारों तरफ इतना अधर्म हो गया है कि अब भगवान ने तय किया है कि अब मुझे अवतार लेना पड़ेगा, अब वो समय आ गया है जब मुझे उत्पन्न होना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई उससे साफ नजर आ रहा है कि भगवान ने इस अधर्म को मिटाने के लिए धरती पर उत्पन्न होने का निर्णय ले लिया है। सीएम ने कहा, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में सुबह वोटिंग हुई और उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इन्हीं का आदमी था, उस दिन उन्होंने तय किया कि हाल में हम द्रौपदी का चीरहरण करेंगे, उन्होंने तय किया कि आज हम भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करेंगे। अब वहां पर श्री कृष्ण जी पहुंच गए और वहां पर श्री कृष्ण भगवान मौजूद थे। उस समय वहां मौजूद भाजपा वाले कह रहे थे कि कैमरे ऑफ करो, कैमरे ऑफ करो, लेकिन कैमरे क्यों नहीं ऑफ हुए, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण भगवान मौजूद थे, उन्होंने कैमरे को ऑफ नहीं होने दिया। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊपर वाले का इशारा है, ये ऊपर वाले का हस्तक्षेप है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में घटा उसमें यही प्रतीत हुआ कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये साबित कर दिया कि भाजपा चुनाव जीतती नहीं, भाजपा चुनाव चोरी करती है। भगवान ने दिखा दिया, अगर भाजपा चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हार सकती है तो भाजपा देश का चुनाव भी हार सकती है। भगवान ने देश को एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है कि हिम्मत मत हारो, तुम लोग एक बहुत बड़े भारत देश के निवासी हो, डर कर मत बैठो, तुम लोग अपना कर्म करो, वोट डालने जाओ, आवाज उठाओ, प्रदर्शन करो, इनके खिलाफ खड़े हो, भगवान तुम्हारे साथ है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।